बुलंदशहर से रेशु कुमार पत्रकार की रिपोर्ट, पुलिस ने लूटी गई बंदूक सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बुलंदशहर शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने लूटी गई बंदूक सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दो अभियुक्त अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिनकी तलाश में शिकारपुर पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत दिनांक 2/6/2021 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बजरंगबली चौरसिया एवं शिकारपुर सीओ के कुशल निर्देशन में थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रवीण पुत्र मुरारी लाल निवासी ग्राम जानीपुर कला थाना शिकारपुर को मई एक अदद बंदूक 12 बोर डबल बैरल नंबर 25881-03 मई दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व घटना में प्रयुक्त एक अदद सेंटरों कार संख्या DL2CW7798 के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद डबल बैरल बंदूक थाना नोलिज पार्क ग्रेटर नोएडा के मुकदमा संख्या 369/21 धारा 392 भागवी से संबंधित लूटी गई बरामद हुई है। पूछताछ में अपने दो साथियों के नाम सूरज पुत्र स्वर्गीय जगवीर निवासी ग्राम जानीपुर कला थाना शिकारपुर, ललित उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह निवासी उपरोक्त बताया गया है, जो मौके से फरार हो गए थे। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर 472/21 धारा 25/27 411/414 भादवी पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। अभियुक्त प्रवीण पुत्र मुरारी लाल निवासी ग्राम जानीपुर कला थाना शिकारपुर को ग्राम रामपुर काली नदी के पुल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त के पास से एक अदद बंदूक 12 बोर डबल बैरल नंबर 25881-03 दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर एक अदद सेंटरों कार संख्या DL2CW7798 सामान बरामद हुआ है। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा ने बताया है कि फरार अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, पूरे जनपद में रात के समय संदिग्धों की तलाशी चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीती रात लगभग 10 बजे के आसपास थाना प्रभारी शिकारपुर और उनकी टीम के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में वाहनों की तलाशी चेकिंग की जा रही थी और इसी आकस्मिक चेकिंग के दौरान एक अदद सेंट्रो कार की तलाशी ली गई, तो उसमें एक लाइसेंसी बंदूक मिली है डबल बैरल की, जिसमें जंजीर बंधी हुई थी। संदेह के आधार पर और जब उसका लाइसेंस जो नंबर इसका था वो नेट पर सर्च किया गया तो ज्ञात हुई कि ये बनारस के टैंक थाना क्षेत्र की है। वहाँ से संपर्क किया गया तो और प्राप्त जानकारी के आधार पर ये पता चला कि जिस व्यक्ति की ये गन है वो नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर नोएडा में गनर के रूप में एक सोसाइटी में काम करता है और 24/25/12 की रात में कुछ अपराधियों के द्वारा उसकी ये बंदूक लूट ली गई थी, जिसके संबंध में लूट का मुकदमा नॉलेज पार्क थाना में दर्ज है और वहाँ की पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। एक अभियुक्त जो कार का मालिक भी है और शिकारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, प्रवीण पुत्र मुरारी लाल जानीपुर कला गांव का है, ये गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से गन बरामद हुई है। क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा इस तरह की आशंका नहीं थी कि ये लूट की बंदूक होगी, तो उसी का लाभ उठाते हुए जो गाड़ी में दो अन्य लुटेरे थे इनके सहयोगी, वो अंधेरे में निकल गए। उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं।